So guys, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट फोन्स अंडर 20,000, क्योंकि दिवाली आ रही है, फोन सब खरीदने वाले हैं, जिन जिनको खरीदना रहेगा सो आपको ये वीडियो मदद कर सकती है। सो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते। रुको, एक सेकंड, सब्सक्राइब करना ना भूले। सो नंबर 5 पर हमने रखा है मोटोरोला S20 फोन। जी गाइस, ये फोन बहुत जबरदस्त है, बिकॉज इसकी जो डिस्प्ले है वो उसके अंदर आती है काफी बड़ी डिस्प्ले, 6.6 इंचेस की फुल HD AMOLED डिस्प्ले, जो कि 10 बिट को सपोर्ट करती है AMOLED डिस्प्ले, जो कि बहुत शानदार डिस्प्ले रहने वाली है। और इसका UI काफ़ी क्लीन रहता है, मोटोरोला का UI बहुत अच्छा रहता है। और साथ ही साथ इसके कैमरा की बात करें तो इसके अंदर रहता है 108P का प्राइमरी सेंसर कैमरा और 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो। और बैटरी की बात करें तो इसके अंदर रहती है 5000 mAh की बड़ी बैटरी, जिसको जो कि सपोर्ट करती है 30W का फास्ट चार्जिंग को। और प्रोसेसर की बात करें जो है MediaTek Dimensity 800U का, जो कि इसका जो मुझे जो है खराबी लगती है, जो कमी लगती है, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट मोटोरोला। सो अगर नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर मैंने रखा है पोको X4 फोन को, जो कि आता है स्नैपड्रैगन 695G के साथ, प्रोसेसर के साथ, जो कि मैक्सिमम बूस्ट है 2.2 GHz का। और इसका कैमरे की बात करें तो 64 MP का इसका प्राइमरी सेंसर कैमरा है, साथ में 8 MP और 2 MP भी दिया गया है, जो कि मैक्रो और अल्ट्रा वाइड है। और सेल्फी की बात करें तो 16 MP की सेल्फी है। और बैटरी यहाँ पर काफ़ी बड़ी मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी है, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है 67W की। और 5G की बात करें तो इसके अंदर हमको मिलते हैं 7 bands 5G के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोको X4 प्रो एंड दिस इज़ नंबर 4। सो आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। सो गाइज, नंबर 3 पर है हमारा Realme Narzo Pro 50 फ़ोन, जो कि मेरा पर्सनल बेस्ट फ़ोन है। अगर मुझे फ़ोन लेना होता, मेरे पास 17-18 हज़ार होते, तो मैं उस फ़ोन को आंख बंद करके ले लेता, क्योंकि वो आता है एक ऑलराउंडर फ़ोन, जो कि बहुत अच्छे प्रोसेसर के साथ आता है, बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ आता है, दैट्स इट। तो फोन शुरू करते हैं। फ़ोन के अंदर प्रोसेसर की बात करें तो आता है MediaTek Dimensity 920U का प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है, जिसका मैक्सिमम बूस्ट है वो है 2.5 GHz का क्लॉक बूस्ट है मैक्सिमम। और इसके अंदर डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंचेस की फुल HD AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 90Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। और साथ ही साथ इसके चार्जिंग की बात करें तो 5000 mAh की इसके अंदर बड़ी बैटरी आती है, जो कि 33W का चार्जर साथ में लाती है फास्ट चार्जिंग के लिए। और 5G बैंड्स इसके अंदर 5 मिल जाते हैं देखने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट Realme Narzo Pro 50, आई थिंक दैट्स गुड वन फॉर 16,000 or 17,000 rupees। सो अब अगले फ़ोन की तरफ जब बढ़ते हैं, फ़ोन नंबर 2 की तरफ। जैसे जैसे ये नंबर कम होते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और फ़ोन अच्छे अच्छे देखने को मिलते जा रहे हैं हमारे पास। नंबर 2 के लिए एक और फ़ोन मैंने रखा है साइड में, जो कि उन लोगों के लिए है जिनको क्लीन UI चाहिए और उनको सैमसंग से थोड़ा लगाव है, इसलिए वो भी साथ में रखा है मैंने। अगर V1 T1 Pro की बात करें तो ये फ़ोन आता है स्नैपड्रैगन 778G के साथ। जी गाइस, ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग में कोई लैग नहीं देखने को मिलेगा। इसका AnTuTu स्कोर भी 500,000 के करीब रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। और कैमरे की बात करें तो इसके अंदर आता है 64 MP प्राइमरी सेंसर कैमरा और साथ में 8 अल्ट्रा वाइड और 2 मैक्रो शूटर, लेकिन ये भी 4K वीडियो को सपोर्ट करता है। और सेल्फी की बात करें तो इसके अंदर आता है 20 MP का सेल्फी कैमरा, जो कि काफ़ी अच्छी फ़ोटो खींचता है, आपको वीवो का नाम तो पता ही होगा फोटोज़ के लिए। और अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर आता है 6.4 इंचेस का फुल HD AMOLED डिस्प्ले विद 90Hz का रिफ्रेश रेट। जो इस फ़ोन की जो एक कमी है वो इसके डिस्प्ले में ही है, वो है उसका वाटर ड्रॉप डिस्प्ले, जो कि काफ़ी ओल्ड हो चुका है। आजकल सब पंच होल डिस्प्ले पसंद करते हैं, सो दैट्स द डिफेक्ट, मतलब नेगेटिव फॉर दिस फ़ोन। एंड अगर नेक्स्ट इसकी बात करें बैटरी की, तो इसके अंदर आता है 4700 mAh की बैटरी, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी है। साथ ही साथ इसके अंदर 66W का चार्जर भी मिल जाता है, सो वो इशू नहीं रहता है चार्जिंग वाला। और नेक्स्ट लास्ट फाइनली बात करें इसकी 5G बैंड्स की, तो इसके अंदर आते हैं हमारे 7 5G बैंड्स, जो कि इनफ है आपको 5G फ़ोन चला 5G चलाने के लिए इंडिया के लिए। और साथ में मैंने बताया था एक और अल्टरनेटिव फ़ोन लेके चल रहा हूँ, वो है सैमसंग M52। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं अपने नंबर 1 फ़ोन की तरफ बात करें, जो कि आज का नंबर 1 फ़ोन है, जो कि 20,000 के आसपास आपको मिल जाएगा ऑफर उफर लगा के 19,000 कह रहा हूँ। सो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसके प्रोसेसर आता है MediaTek Dimensity 920U का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है, Realme Narzo में भी है वही है, मैंने कहा था 25,000 के नीचे वो प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। और इसका स्पेशल जो कैमरा है, वो कैमरा है 50 MP का सोनी IMX का कैमरा, जो कि OIS को सपोर्ट करता है, यानी वीडियो क्वालिटी काफ़ी स्टेबल आती है इसके अंदर, फोटोज़ काफ़ी अच्छे आते हैं, ब्राइटर आते हैं, ग्लोइश करके रिजल्ट देता है हमको।
सो अगर डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले आ जाती है 6.4 इंचेस की, फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले विद 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। आई थिंक इट शुड बी 120 हर्ट्ज, बट इट्स ओके, उन्होंने नहीं दिया। और साथ ही साथ बैटरी की बात करें तो बैटरी भी मुझे सेकंड नेगेटिव थोड़ा सा लगा इसका, क्योंकि 4500 का एमएएच का बैटरी है, जिसके साथ मिल जाता है हमें 67 वॉट का फास्ट चार्जर। ठीक है, लेकिन 5000 की देते तो काफ़ी ज़्यादा चलती है बैटरी। और अगर इसकी 5G बैंड्स की बात करें तो 5G बैंड्स हमको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, इसके अंदर आते हैं 13 5G बैंड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉप 5 फोन बेस्ट, जो कि 20,000 के नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब तो जरूरी कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते यार गाइस आप। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियोज नेक्स्ट, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद गाइज।